चाकू उसने मेले से खरीदा था, लेकिन उसका उपयोग उसने देवराज पर कातिलाना हमला करने के लिए उपयोग कर लिया। मामूली कहासुनी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, जो हत्या हुई है। मैं सोचता हूँ कि केवल एक और केवल समाज में दहशत फैलाना, और जिस तरह से कन्या हत्याकांड के बाद से कुछ बीच में छुटपुट घटनाएं और इस हत्याकांड ने आम आदमी को असुरक्षित कर दिया है, जबकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस तरह से समाज के लोगों ने कई बार कई विषयों का ध्यान सब तरफ से आकर्षित किया है, समय पर निराकरण न होना भी एक बहुत बड़ी दुविधा है। और यह जो है सामान्य हत्या नहीं है, इसमें सुनियोजित है, क्योंकि उसने विद्यालय परिसर के बाहर जाकर के पुनः किसी के सहयोग के साथ और उस कांड को किया है। कहां से तो वो चाकू लाया, सुनियोजित था और चाकू ला के हत्या कर ली। मैं सोचता हूँ आज पूरा उदयपुर इस बात से उद्वेलित है और उदयपुर चाहता है इसमें उम्र कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से, क्योंकि इससे तो और बढ़ावा देना मिलेगा, ऐसे अपराधियों को हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरी तो यही है कि पहले तो मैं उदयपुर वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वास्तव में उदयपुर के एक एक नागरिक, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, चाहे व्यवसायिक हो, सभी ने मिलकर शांति बनाई रखी। उसके लिए मैं उदयपुर वासियों के चरणों में नमन करते हुए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी जो वास्तव में घड़ी और ऐसी दुर्घटना को देखकर कन्यालाल हत्याकांड से ही हमारा उदयपुर के हिंदू समाज के अंदर जो उबाल था वो वास्तव में पल झपकते ही ऐसा थोड़ा सा वातावरण हुआ, उसको सरकार ने समय रहते हुए, सभी समाज गणों ने समय रहते हुए, सभी ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने सक्रियता बरतते हुए इसके ऊपर काबू पाया, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और चैनल के माध्यम से सभी मीडिया कर्मी, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनका भी आभारी हूं कि वास्तव में इस शांत वातावरण में आपका भी सहयोग रहा। ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, बस हम ये चाहते हैं। और ये थोड़ी ये मोमेडियन कौम काफ़ी है ना उदयपुर में, काफ़ी नाबालिग का फायदा नहीं मिला, बस ये हम चाहते हैं कि इस तरह का दोबारा ये घटना नहीं हो सके। हमला हुआ तो वहां पर तमाम मौजूद जो अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे देवराज को, उनको आपने सुना आक्रोशित नजर आ रहे हैं परिजन, परिवार के लोग। उनका साफ तौर पर कह रहा है कि समाज में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है और जरूरी है कि आरोपी छात्र को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा की तक मांग यहाँ पर की जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर जब शहर से अंतिम यात्रा निकाली गई, दूसरी तस्वीर जब देवराज के पिता ने मुखाग्नि दी है। और जाहिर तौर पर ये भावुक क्षण, गमगीन माहौल इस वक्त पूरे उदयपुर में नजर आ रहा है। कपिल ही हमारे संवाददाता सुबह से लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। कपिल, वहां पर मौजूद लोगों से आपने बातचीत की, जाहिर तौर पर फांसी की सजा से कुछ भी मंजूर नहीं कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए फांसी की सजा से कम कोई भी कुछ मानने को तैयार नहीं जी। तो लगातार ये जो आप देखिए कि मांग जो है वो लगातार करते हुए देखे जा रहे हैं, पुलिस से मांग की जा रही है, स्थानीय प्रशासन से मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त सजा जो है वो अपराधी को मिलनी चाहिए, और उसी को लेकर सभी का जो आक्रोश है वो लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग अभी भी आक्रोशित है, लगातार नारे लगा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी हो गई है और देवराज को उनके पिता द्वारा मुखाग्नि दी गई है। देवराज अमर रहे के नारे के बीच, गमकीन माहौल के बीच, एक पिता अपने 16 साल के छोटे से मासूम बच्चे को मुखाग्नि देता हुआ, ये क्षण बहुत ही भावुक कर देने वाला है। ये क्षण जाहिर तौर परिवार पर एक दुखों का पहाड़ टूटने से कम नहीं है। बेसुध हो चुकी है माँ, कल से जब से उसे पता लगा है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। बहने रो रो कर बुरा हाल है, वो बहने जो रक्षाबंधन के पर्व पर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ आईसीयू में राखी बांधने के लिए पहुंची थी, सब कुछ ठीक लग रहा था, उम्मीद थी कि जिंदगी की जंग जीत जाएगा देवराज, लेकिन 4:30 बजे उसकी मौत की खबर पूरे शहर को गमकीन कर गई। परिवार तो जाहिर तौर पर बेसुध हो ही चुका है, माँ होश नहीं है, कल से रो रो कर बुरा हाल है, बस उसका यही कहना है कि मेरे बेटे को कोई लौटा दे, मुझे नहीं चाहिए आर्थिक मदद। लेकिन जाहिर तौर पर परिवार के लोग समझा रहे हैं
और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से जो भी बातें कही गई थी, जो भी मांग थी आरोपी छात्र को लेकर, वो तमाम एक्शन भी प्रशासन ने गंभीरतापूर्वक लिया है। लेकिन अब लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं समाज के, वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि कड़ा एक्शन होना चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट हो ताकि अपराधियों के मन में भय बैठे। हालांकि उदयपुर में अपने आप में पहली बार हुआ है कि किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ हो, मांग मानी गई और तुरंत 24 घंटे के अंदर जांच पड़ताल के बाद पाया गया कि छात्र का जो घर है वो अवैध रूप से बना हुआ था, वन विभाग की जमीन पर बना था। ऐसे में बुलडोजर एक्शन के तहत एक मंजिला पूरे घर को जमींदोज किया गया, आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कपिल भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कपिल, देखिए लोग जो वहां पर मौजूद थे उनसे आप बात कर रहे थे और हम लोग यही वो बात कर रहे थे, उसी को वो आगे बढ़ा रहे थे कि ऐसा लगता है कि मानो सोची समझे साजिश हो। सवाल यही है कि फिर वो उस आरोपी छात्र के पास चाकू आया कहां से? बिल्कुल यही जो सवाल है वो, ये आक्रोशित जो लोग हैं इनके द्वारा उठाया जा रहा है कि भले ही बच्चे की उम्र कम हो लेकिन ये जो घटनाक्रम है साजिश के तहत अंजाम दिया गया है और इसी को लेकर उसकी एज कंसिडर नहीं करने की मांग की जा रही है और सख्त सजा जो है वो दिलाने की मांग की जा रही है, फांसी की सजा आरोपी को मिले ये मांग की जा रही है। तो आप देखिए कि जो लोग हैं वो फांसी की सजा से कम न्याय की उम्मीद नहीं कर रहे हैं और यही मांग परिवार के सदस्यों द्वारा भी की गई थी। जो परिवार के जो सदस्य थे, चाहे वो देवराज की माँ हो, उन्होंने भी कल प्रशासन के सामने यही मांग रखी कि वे जो है वो जो आरोपी छात्र है उसके लिए उसे फांसी दिलवाने के लिए काम करे और यही जो उसको जो सजा मिलेगी वही उनके लिए सच्चा मुआवजा होगा। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जिस तरह से नृशंस तरीके से देवराज की हत्या हुई है। कपिल, जाहिर तौर पर आक्रोश वाजिब भी है और पूरा उदयपुर गमगीन है। वो आक्रोश हमने वहां तक देखा कि आगजनी तक ये मामला बढ़ गया था, तनाव बढ़ गया था। ऐसे में भारी पुलिस जाब्ता आज भी तैनात है, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी खुद मौजूद रहे पूरी अंतिम यात्रा के दौरान। जनप्रतिनिधि वहां पर कौन कौन से इस दौरान मौजूद रहे मोक्षधाम में, और जब ये मांग की जा रही है तो उनका क्या व्यू था इस पर? देखिए, यहाँ उदयपुर शहर और ग्रामीण के जो विधायक है कपिल के पास हम रुक करेंगे क्योंकि आज इंटरनेट भी बंद है उदयपुर में, जाहिर तौर पर इसलिए तकनीकी बीच बीच में खराबी भी आ रही है। 4 दिन हो चुके हैं लेकिन उदयपुर में नेट बंदी अभी भी जारी है। कल तनावपूर्ण थोड़े वक्त के लिए माहौल बना और एहतियातन ये फैसला लिया गया कि उदयपुर में आज भी नेट बंदी रहेगी, यानी कि नेट नहीं चलेगा आज। इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। वक्त सुबह का है इसलिए बाजार बंद है, लेकिन धीरे धीरे जब सुबह आगे बढ़ेगी, दिन चढ़ेगा, तो जाहिर तौर पर बाजार खोलने का तो फैसला लिया गया है। कल देखिए